बिना लहसुन प्याज के चने की सब्जी आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन इस तरह से चने को बिना बॉईल करे और झटपट से आप बनाए 10 से 15 मिनट में बहुत ही टेस्टी और इतनी बढ़िया तरीके से पकेगी कि आप इसे हर बार ही इसी तरह से बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी कुकिंग वर्ल्ड और यहाँ पर हमने इसे 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार किया है परफेक्ट टेस्ट और कलर के साथ। तो इसे भी आप एक बार ज़रूर बनाएं, बिल्कुल भंडारे जैसा टेस्ट आएगा। इसे आप नवरात्रि, कन्या भोज में बना सकते हैं या जब भी आपका मन चाहे चने की सब्जी बनाने का, तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। और इसमें हमने लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसे बनाने के लिए हमने 2 आलू लिए हैं। आलू यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें, नहीं तो स्किप कर दें। आप चने से ही इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आलूओं को छील लिया है और डायरेक्टली हम पानी में ही कट करेंगे। और इसके बाद हमने लिए हैं 2 हरी मिर्ची को लंबा लंबा कट कर लिया है और थोड़ा सा अदरक लिया है। तो इसे हम टमाटर के साथ पीस लेंगे और 1 हरी मिर्ची को थोड़ा सा पतला पतला कट करके तड़का लगाएंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची वगैरह लाल वाली ऐड ना करें। इसके बाद हम एक कुकर गर्म करेंगे और कुकर में 1 चम्मच हमने ऑयल लिया है, बस इतना ही ऑयल लेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है तो 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा, इसके बाद जो हमने मिर्ची कट करके रखी थी वो ऐड करेंगे। मिर्ची को हम इस तरह से कट करेंगे और इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे। गैस को मीडियम रखेंगे। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक हरी मिर्ची वाला पेस्ट। तो इसे हमने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है, एकदम हमें फाइन नहीं पीसना है, इस तरह का हम पीस के तैयार करेंगे। और आप क्रश भी कर सकते हैं छोटे वाले ग्रेटर से। इससे क्या होता है, इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो 1 मिनट तक हम इसे मीडियम गैस पर पकने देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। तो इसमें हमने 3 टमाटर कट करके लिए थे। यदि आप इसमें दही, नींबू कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो टमाटर कम इसमें ऐड करें, लेकिन ये टमाटर के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगती है। अलग से हमें दही वगैरह, अमचूर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से पका लेंगे। गैस को थोड़ा सा तेज करेंगे और इसमें हमने 1/2 चम्मच काला नमक ऐड किया है और 1 चम्मच सिंपल वाला नमक ऐड किया है जो खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मसाले जब भी हम ऐड करेंगे गैस को मीडियम कर लेंगे, जिससे कि ये जलते भी नहीं है और फ्लेवर बढ़िया आता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे देगी मिर्च, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है और बहुत ही बढ़िया आपको ये देखने में लगेगी। इसके बाद हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। ग्रेवी की थिकनेस के लिए हम धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर थोड़ा सा कम ही ऐड करेंगे, जिससे इसका कलर बढ़िया आएगा। इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि हम और भी मसाले ऐड करेंगे इसलिए गरम मसाला हमने थोड़ा सा कम ही लिया है। तो यहाँ पर हम चने की सब्जी बना रहे हैं तो चना मसाला ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे और गैस को हल्का सा तेज कर लेंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि किस टाइम हमें गैस को कम करना है और गैस को कब तेज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है, ऑयल भी रिलीज हो गया है। तो ग्रेवी की थिकनेस के लिए हम 2 चम्मच इसमें मूंगफली दाना ऐड करेंगे। तो मूंगफली दाने को रोस्ट करके पीस लिया था और थोड़ा सा हम जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। इससे थिकनेस भी बढ़िया आती है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। इसके बाद हम चने ऐड करेंगे। तो 1 बाउल चने लिए थे हमने, इन्हें ओवरनाइट भिगा कर रखा था और इन्हें हमने
पकाया नहीं है, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। और जो आलू लिए थे कट करके वो भी ऐड कर देंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। और पहले भी हमने आपको बता दिया है कि यदि आप आलू ऐड नहीं करना चाहते तो इन्हें स्किप कर दें, आलू से टेस्ट और थिकनेस बढ़िया रहती है। तो यहाँ हम अच्छे से इन्हें चला लेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। और हम लास्ट में ऐड करेंगे छोले मसाला, या फिर आप चना मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और बहुत ही कम हमने इसमें ऐड किया है जलजीरा पाउडर, और इसकी जगह आप अमचूर भी ऐड कर सकते हैं। यकीन मानिए इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आपके पास ये नहीं है तो अमचूर पाउडर ऐड कर दें, और वो भी नहीं है तो नींबू वगैरह लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो एकदम चटपटा चटक तीखा टेस्ट आएगा और एकदम चटपटा ये बनके तैयार होगा। तो इसे हम बीच बीच में थोड़ा ढककर भी पका लेंगे, और ढकते टाइम गैस को थोड़ा मीडियम कर लेंगे और इसे चला लेंगे। और लास्ट में अब हम ऐड करेंगे पानी। पानी हमें तभी ऐड करना है जब सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, ऑयल वगैरह रिलीज हो जाए। और यहाँ पर हमने एक कप पानी ऐड कर दिया था, इसके बाद हम चेक कर लेंगे, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इसमें हमने डेढ़ कप के लगभग पानी ऐड किया है। तो जिस बाउल से हमने चने लिए थे उसी बाउल से समझ लीजिए हमें पानी ऐड करना है। और थिकनेस आप अपने ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसके बाद हम 5 से 6 सीटियाँ लगवा लेंगे। तो गैस मीडियम रखना है और इसके बाद आपको इसे पकाना है। तो गैस कम ज़्यादा है इसके अनुसार आप अपने हिसाब से इसमें सीटियाँ लगवा लें। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 सीटियाँ लगवाई थी। इसके बाद ये अच्छे से पक गया है तो हम चेक कर लेंगे। कुकर का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो इसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारी सब्जी है एकदम बहुत ही बढ़िया कलर के साथ बन के तैयार हुई है, और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा क्योंकि हमने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है। अभी ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा इस तरह से, थोड़ा ठंडा होने के बाद और भी बढ़िया एकदम रिच कलर आएगा और थिकनेस भी बढ़िया आएगी। और हम आलूओं को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, यदि ये पके नहीं है तो 1-2 सीटी और लगवा देंगे। वैसे तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गए हैं, बहुत ही बढ़िया इनका कलर आया है और थिकनेस भी बढ़िया है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और यदि आप इन्हें चावल के साथ भी खाना चाहते हैं तब भी ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगेंगे। बहुत से लोग चना आलू की सब्जी चावल के साथ बहुत पसंद करते हैं। तो इसे आप कन्या भोज में बनाएं या फिर भंडारे में बनाएं, और पूजा में भी आप बना सकते हैं। नवरात्रि पूजा में बहुत से लोग चना आलू की या चने की सब्जी बनाते हैं। और यदि आप ड्राई वाली बनाना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही टेस्टी आपको ये वाली सब्जी लगने वाली है। और इस तरह से आप बनाएंगे तो हर बार आपको इसी तरह से बनाने का मन करेगा। तो इसे आप एक बार से ट्राई ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। बहुत बार क्या होता है आप सोचते रहते हैं बिना लहसुन प्याज के सब्जी किस तरह से बनाएं, तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगी। और चने को भी आप इस तरह से दबाएंगे तो एकदम पूरी तरह से पक गया है, और इन्हें हमने पहले से बॉयल भी नहीं किया था। और इसी तरह से नवरात्रि स्पेशल वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।